शामली में थाना भवन क्षेत्र में अवैध रूप से सरकारी भूमियों पर कब्जा करने के लिए आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर आम जन मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभाग कार्रवाई में जुट जाते हैं। ज्यादातर मामलों में कागजी खाना पूर्ति कर शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है। दरअसल क्षेत्र में कृष्णा नदी के पास काटी जा रही कॉलोनी की शिकायत को लेकर कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कॉलोनी काटने की शिकायत की थी, जिसके बाद हल्का लेखपाल मीनाक्षी और नगर पंचायत कर्मचारी अन्य कई राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और पेमाइश शुरू कर दी गई थी। कई घंटों तक चली पेमाइश के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। साथ ही साथ राजस्व निरीक्षक ने बताया कि शिकायत के बाद पेमाइश की गई थी, लेकिन पेमाइश पूरी नहीं हो पाई और साथ ही साथ पेमाइश पूरी नहीं होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट।